देश का प्रसिद्ध त्यौहार है छठ महापर्व, जिसकी शुरुआत 17 नवंबर से हो चुकी है। चार दिन चलने वाले इस महापर्व में आज डूबते सूरज को अर्घ प्रदान किया गया, वहीं कल प्रातः उगते सूरज को जल अर्पित कर पारणा यह पर्व मनाया जाएगा। इस बार छठ महापर्व की पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से हुई। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाय के साथ होती है, इसके बाद खरना, अर्घ और पारण किया जाता है। इसमें विशेष तौर पर सूर्य देवता और छठ माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। चार दिनों तक चलने वाला यह महापर्व मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 19 नवंबर यानी आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जहाँ सभी ने संध्या अर्घ प्रदान कर इस पर्व को मनाया, जहाँ दौरे ले जाते श्रद्धालुओं से समा खिल उठा। गौरतलब है कि छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, यह चैत्र या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुबह से अर्घ की तैयारियां शुरू हो जाती है। पूजा के लिए प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल फूल आदि अच्छे सजाए जाते हैं। इसमें एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। NBC न्यूज़ के लिए मनीष टेमरे की रिपोर्ट।